इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक मेरा गीत है, प्रेम प्रेमामृत में होगा, बहुत प्यारा है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अब वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। बड़े भाग पाई सत्संग, सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये सत्संग हो रहा है क्यों? बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग मिल जाए बिना प्रयास के, आवागमन से हमारी आपकी छुट्टी। इसलिए भज ही राम तज का ममद, कर ही सदा सत्संग। संसार में नहीं चिपकना, काम क्रोध मद मोह लोभ की धीरे धीरे समनात्मक स्थिति लेते हुए। देखिए सबसे बड़ी विकट बात आ गई है कि संसारी गृहस्थी लोग अपने को सबसे बुरे मान बैठे हैं। हम संसारी जीव हैं, हम तो बड़े पापी हैं। क्यों भाई, क्यों पापी हैं? हम तो बड़े सदाचारी हैं भाई, हम तो पापी नहीं हैं, हम तो भक्त हैं भगवान के। नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता जी में भगवान कहते हैं हमारे भक्त का कभी नाश नहीं होता, हमारा भक्त कभी निराश नहीं होता, हमारा भक्त हमारा है। ऐसे आरती में लिखा है, मो क्या है, मैं मूरख खल कामी। ये कौन आरती है जी? क्यों कहना, मैं सेवक तुम स्वामी। आज से सब लोग यही गाएंगे, ये बीच में किसी ने जोड़ दिया है, ये साधु की भाषा है क्या? प्रातस्मणी पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज ने लिखा है, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। ये क्या, क्यों कामी क्यों हम हैं? हम तो कामी नहीं है, हम तो खल नहीं है, हम मूसक हैं क्या, हम सांप हैं क्या? मानस में सांप को और मूसक को, चूहा को खल कहा है। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुन उरुगारी। नहीं, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश। कभी नहीं अपने बारे में बुरा चिंतन करो, नहीं, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, हिप्नोटिज्म है ये। आप एक महीना अभ्यास करो शीशे के सामने, मैं पागल हूं मैं पागल हूं मैं पागल हूं, आप पागल हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे है? अरे करके देख लो भैया। हाँ, जिसको थक गए हो करके देख लीजिए, अच्छे का चिंतन करें। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, बच्चों को कभी डांटे न कहें, ये बुद्धू है, ये बुद्धू है। ले बच्चा किसका? एक पिता अपने पुत्र को डांट रहा था, सुअर का बच्चा। मैंने कहा यार सोच तो लिया करो क्या कह रहे हो। हाँ, मैंने कहा बच्चे को कुछ कहो, अपने को क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं ये ऐसा करता है। अरे हमने कहा मैं क्या कह रहा हूं, आप उसको डांटो, अपने को क्यों गाली दे रहे हो? तो ठंडा हो गया, तो पूछा मेरे से कि मैंने क्या कह दिया। मैंने कहा आपने अपने को शूकर कहा, ये तो ठीक है कि शूकर भगवान का अवतार है, लेकिन बोलते समय विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी को डांटना भी हो तो अविवेक पूर्वक नहीं डांटना चाहिए,
विवेक पूर्वक, किसी को बुरा न कहिए। ये कौन सी भक्ति है? सब अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा चिंतन करिए। भगवान ने हमको जन्म दिया, भगवान ने हमको कान दिया है, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान मत कर मोह तू प्यारे, मत कर मोह तू बस हरि भजन ज्ञान पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक। भगवान ने हमको मानव तन दिया है, दिव्य तन है, देखने को नेत्र दिया, सुनने को कान दिए पटका, भजन करने पूजन करने के लिए हाथ दिए पांव दिए। कल्पना करिए जिनके पास ऐसा नहीं हो वो कितने भाग्यशाली। हम उनके उनसे 100 गुना भाग्यशाली हैं, फिर भी रोते रहते हैं न जाने क्यों। करें सदा सत्संग। अब मेरे प्रभु यहां से आगे बढ़े, आगे चले बहुरे रघुराया, देशमुख पर्वत निहराया, तहर हर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देख तै जाई, कह सुजानी जिय शयन बुझाई, पठजे वाली हो ही मन मैला, आगो तुरत तजो यह सैला, विप्ररूप धरि कपित गयो, माथ नाई पूछत अस भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हे तू बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप पाता, की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। श्री हनुमान जी ने भगवान से 5 प्रश्न किए, किस वेश में किए? विप्रवेश में किए। विप्र रूप धरि कपितः गयो, कल मैंने आपसे एक बात निवेदन की थी, होना और बनना दोनों का पता चल जाता है। प्रश्न देखिए, पूछ रहे हैं कि आप क्षत्रिय रूप में हैं, वन में विचरण कर रहे हैं, भूमि कठोर पद आपके कोमल, लेकिन पूछने के पहले हनुमान जी ने माथनाय पूछत, भगवान अंदर अंदर मुस्कुराए। क्यों? ब्राह्मण का बालक कोई होगा चाहे कितना बड़ा तोप हो तो प्रणाम नहीं करेगा, वो उसको लगता है सबको सब हमको प्रणाम करते हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं इनको। पंडित जी को जो देखेगा, पंडित जी पाए लगू खुश रहो जियो चिरंजीवी भाव, ब्राह्मण का बालक प्रणाम नहीं कर सकता है, और वो भी क्षत्रिय को। भाषा देखिए, क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा, आप तो वीर हैं तो वीर को विप्र क्यों प्रणाम करेगा। भगवान समझ गए ये पंडित जी हैं नहीं, बने हुए पंडित जी हैं। देखो भैया, पंडित जी होना और पंडित जी बनना दोनों में बड़ा अंतर है।
आप जब तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो सिंगवेरपुर के जितने केवट लोग हैं सब मकर संक्रांति पर पंडित जी बन जाते हैं। गुरु जी बता रहे थे, तो वो जब संकल्प कराएंगे ना, हरिओम हरिओम विष्णु 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 कलयुगे कलि प्रथम चरे बौधा अवतारे भूलोके गौ गंगा गए गायत्री गायत्री, अब उसमें क्या मास चल रहा, क्या नक्षत्र, क्या ग्रह, क्या कुछ उनको पता है, गौ गंगा दान संकल्प करिष्ये इतना बोलना है, तो पता चल जाता है कि जो करिष्ये करा रहा है वो पंडित जी। अब सब तो जानते नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ रहती है कि अब कितने पंडित जी लोग वहां आएंगे, इतने सेवक है सब पंडित जी बन जाते हैं वहां। भगवान ने देखा विप्र रूप है, मैं क्षत्रिय रूप बोल रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं, भगवान अंदर ही अंदर समझ गए कि ये कौन आ गए। अब आगे चलिए, पांच प्रश्न किए गुरुदेव भगवान कहते हैं, यही श्री हनुमान जी पंचमुखी हो गए। ये पंचमुखी हनुमान जी का अवतार प्रसंग है, सुन लिए। अब बोले कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बनयाय, नाम राम लक्ष्मण लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर भय दे विप्र फिरही हम खोजत ते। भगवान ने कहा अपना चरित्र हमने सुना दिया, आप अपना सुनाइए। अब मैंने चरित्र सुनाया, क्यों? चरित्र वो सुनाता है जिसका चरित्र होता है। अब भगवान ने कहा आप अपनी कथा बताइए, क्यों? बोले वेश ऐसा आप लिए हैं कि आपका कोई चरित्र है नहीं, जो कपट वेश बना लेता है उसका चरित्र वहीं से समाप्त हो जाता है, इसलिए भगवान ने कहा आपन चरित्र कहा हम गाई विप्र कहो निज कथा बुझा। कथा क्या कि आप हैं कौन है, वेश कौन सा बना लिए हैं, ये है कथा। आगे क्या है प्रसंग, पंक्ति क्या कहती है, प्रभु पहचानी परे ओ गही चरना, प्रभु पहचानी परे ओ गही चरना, सो सुख उमान आई नहीं परना, सो सुख उमान जाई नहीं परना, सो सुख उमान जाई नहीं परना। भगवान को पहचान लिए श्री हनुमान जी महाराज और चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव कथा रोक कर बीच में बोले, देवी उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। शरीर प्रकटा दिया श्री हनुमान जी महाराज ने, भगवान ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।